वेलकम टू माई चैनल पर हो लॉजिक टुगेदर सेकेंड ईयर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के टॉपिक है, ठीक है, उनके एडमिशन फॉर्म है, उसके बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि एडमिशन फॉर्म वो किस तरीके से फिल कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं मुझे कह रहे थे कि सर आप बता दें कि हमारा एडमिशन फॉर्म किस तरीके से फिल करना है, और क्या वो हमारे पास क्या होगा, ऑनलाइन फॉर्म होगा या फिर हमें कॉलेज जा कर के फॉर्म फिल करना होगा, क्या इस दफ़ा भी कॉलेज जो है उसकी क्या हमें सिलेक्शन होगी, क्या फर्स्ट ईयर का कॉलेज और सेकंड ईयर कॉलेज सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा, उसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट ने सवाल किया था। तो आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे और बताऊँगा, ठीक है। तो याद रखना, जो आपके पास फर्स्ट ईयर का कॉलेज होता है, ठीक है, वही आपका क्या होता है, सेकेंड ईयर का कॉलेज होता है, ठीक है, कोई चेंज नहीं होता। और रहा सवाल आपका ऑनलाइन फॉर्म, तो आपके सेकेंड ईयर का ऑनलाइन फॉर्म नहीं फिल होता, बल्कि आपका ऑफलाइन मतलब मैन्युअली आपका क्या होता है, फॉर्म फिल होता है, जो कि आपको कॉलेज से मिलता है। कहाँ से मिलता है आपको ये तमाम चीज़ें, कहाँ से मिलती है, कॉलेज से मिलती है, और कॉलेज के जगह से आपको ये फॉर्म फिलअप करना होता है, ठीक है। अब ये फॉर्म किस तरीके से फिल होगा उसके बारे में बताता हूँ, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको मेथड बताऊँगा, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको क्या करूँगा, इसके मेथड बताऊँगा। बस आपको ये कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सेकंड ईयर की न्यू बुक जो है मैथमेटिक्स, उसके लेक्चर्स अपलोड करने स्टार्ट कर दिया है मैंने, मैथ्स का, और बाकी सब्जेक्ट्स के भी मैं आपको प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दूँगा बहुत जल्दी, जैसे जैसे बुक चेंज होते जाएगी। तो चलिए आ जाते हैं, अब देख लेते हैं कि हमारे पास किस तरीके से फॉर्म को फिल किया जा सकता है सेकेंड ईयर के। तो क्या लिख रहा हूँ बता रहा हूँ आपको मैं इस दफ़ा, हाउ टू फिल एडमिशन फॉर्म, ठीक है। एडमिशन फॉर्म को किस तरीके से आप फिल कर सकते हो उसको आज हम लोग देख लेते हैं। तो आपके स्क्रीन में शो हो रहा होगा एडमिशन फॉर्म, फ़िलहाल तो ये जीना इस्लामिया कॉलेज का है, ठीक है, गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज का है, लेकिन तमाम फॉर्म एक जैसे ही होते हैं, बस ऊपर का क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं। तो इसको किस तरीके से फिल करना है आज इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो पहला पोर्शन, अगर आप प्री इंजीनियरिंग है तो आप इसको प्री इंजीनियरिंग लगाओगे, ठीक है। अगर आप कहाँ के होगे, प्री मेडिकल, तो प्री मेडिकल लगेगा, ठीक है। और अगर आप क्या होते हो, इसके साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ मैं, ठीक है। अगर आप प्री मेडिकल के तो आप प्री मेडिकल लगाओगे, और अगर आप जनरल साइंस मतलब कंप्यूटर साइंस के हो तो कंप्यूटर साइंस, अगर कॉमर्स के होगा तो कॉमर्स लगाओगे, उसमें कॉमर्स वाला लिखा हुआ होगा, ठीक है, जिससे आप बिलोंग करते होगा आपने वाला क्या करना है, वो टिक लगा देना है। फिर इसके लिखा हुआ सी कैप नंबर, जो आपका सी कैप नंबर था आपने उसको यहाँ पर फिलअप करना है, ठीक है। क्लेम फॉर्म अगर आपने फिल किया तो क्लेम फॉर्म का नंबर यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। वाउचर नंबर, जो आपको वाउचर दिया गया होगा वो आपने यहाँ फिल करना है, ठीक है। डेट जो थी वो आपने यहाँ पे करना है, और सेक्शन कौन सा था आपने ये बताना है यहाँ पर, ठीक है। लिखा हुआ है कंपलसरी सब्जेक्ट और ऑप्शनल सब्जेक्ट, याद रखना कंपलसरी सब्जेक्ट हमारे पास इंग्लिश होता है, और हमारे पास उर्दू इंग्लिश होता है, इस्लामियात या फिर पाकिस्तान स्टडीज़ होते हैं, ये तीन सब्जेक्ट के हमारे पास कंपलसरी है। लेकिन ऑप्शनल क्या होते हैं, अगर आप प्री मेडिकल के हो तो आप यहाँ क्या लिखोगे, अगर आप प्री मेडिकल को, एक मिनट रुको, अगर आप क्या हो प्री मेडिकल के हो तो आप यहाँ पर लिखोगे बायोलॉजी, इसके ना बॉटनी और जूलॉजी हो जाएगा, ठीक है। क्या लिखोगे, बायो लिखोगे, ठीक है, और इस वाले जगह लिखोगे फिर तुम लोग केमिस्ट्री, ठीक है, और नीचे क्या लिखोगे बेटा, फिजिक्स लिखोगे। ये आपका किसका कौन सा होगा, प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स का होगा। और अगर इसी के अगेंस्ट अगर आप देखना चाहते हो प्री इंजीनियरिंग का, तो प्री इंजीनियरिंग में आप पहले लिखोगे मैथ्स, ठीक है, मैथ्स लिखने के बाद नीचे लिखोगे वही केमिस्ट्री, और फिर क्या लिखोगे, फिजिक्स लिखोगे। और अगर आप कंप्यूटर साइंस के तो केमिस्ट्री हटा के क्या लिख दोगे, यहाँ पे लिख दोगे कंप्यूटर साइंस, ठीक है। तो ये फॉर्म करने का तरीक़ेकार मैं बता रहा हूँ आपको एक एक करके। यहाँ पे अपना आपने फुल नाम लिखना है, ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर आपको अपना फादर का नाम लिखना है, ठीक है, गार्जियन, अगर फादर ही आपके गार्जियन है तो आपने फादर का ही यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। ऑक्यूपेशन क्या करते हैं आपके फादर, तो उसके बारे में बताना है। सी एन आई सी नंबर या बे फॉर्म, जो सी एन आई सी नंबर होता है ना और बे फॉर्म होता है, आपने इसमें फिल करना है किसका, अपना, ठीक है, स्टूडेंट लिखा हुआ है, और यहाँ पे अपना ही सेल नंबर लिखना, ठीक है। फिर फादर का आप क्या करना है, सी एन आई सी नंबर फिल करना है, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा उसका क्या होगा, फ़ोन नंबर होगा। याद रखना ये फॉर्म आपको कॉलेज से मिलेंगे, ठीक है, इसका कोई पीडीएफ निकालने की ज़रूरत आप लोगों को नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने एड्रेस, आपने जो कम्प्लीट एड्रेस होगा वो कम्प्लीट एड्रेस आपने यहाँ लिखना है। ई मेल जो आपने कैप फॉर्म में दिया था वही ई मेल यहाँ पर लिख देना, ठीक है।
डेट ऑफ बर्थ अपने बर्थ ऑफ सर्टिफिकेट या बे फॉर्म से देखकर कर लेना। नेशनलिटी जो होगी अगर आप पाकिस्तान से बिलोंग करते हो जाहिर सी बात पाकिस्तानी लिखोगे। रिलीजन अगर आपका इस्लाम है तो आपने इस्लाम लिखना रहेगा, वाइस अगर आप किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो तो देन आपने अपना किसी और मज़हब लिखना है। लास्ट स्कूल एंड कॉलेज अटेंड, अगर लास्ट स्कूल एंड कॉलेज तो कॉलेज आपका कौन सा था, आपका जीना कॉलेज था, आप जीना ही कॉलेज लिख देना ठीक है। और क्लास क्या लिखना, फर्स्ट ईयर लिखना ठीक है। बोला कि कॉलेज बता दो या फिर वो बता दो स्कूल बता दो, तो जाहिर सी बात है लास्ट टाइम अपने फर्स्ट ईयर पर आया था फर्स्ट ईयर लिख देना ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एजुकेशनल इंफॉर्मेशन, इसमें क्या करोगे बेटा एसएससी पार्ट टू में जो आपका क्या बना होगा, ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन कौन से थे, ऑप्शनल सब्जेक्ट एसएससी पार्ट टू में अगर आप साइंस ग्रुप से बिलोंग करते हो ठीक है, अगर आप किससे बिलोंग करते हो, साइंस ग्रुप से बिलोंग करते हो तो आपके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट में क्या आएगा, आपके पास आएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ एक मिनट, यहाँ पे आपके पास आएगा बायो आएगा ठीक है, फिज़िक्स आएगा ठीक है, और केमिस्ट्री आएगा ठीक है, ये आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट होंगे, और फिर एक मैथ्स भी आएगा ठीक है, जिसको याद रखना चार सब्जेक्ट्स होंगे। अगर आप प्री इंजीनियरिंग से करते हो तो आपके पास बायो की जगह क्या आ जाएगा, बायो की जगह बायो तो रहेगा, बायो तो सभी पढ़ते हैं ना शायद, हाँ तो प्री इंजीनियरिंग वाले भी आई थिंक सो बायो पढ़ते हैं, तो बायो फिज़िक्स मैथ केमिस्ट्री रहेगा प्री इंजीनियरिंग का भी। लेकिन कंप्यूटर साइंस के अगर हो गए, जनरल साइंस को हो गए एसएससी टू में, तो बायो की जगह क्या आ जाएगा, कंप्यूटर आ जाएगा ठीक है। एचएससी पार्ट वन, एचएससी पार्ट वन जो है, एचएससी पार्ट वन जो आपने इंटर किया होगा, तो अगर आप प्री मेडिकल के तो क्या आएगा आपके पास, यहाँ पर बायो आ जाएगा ठीक है, यहाँ कैम आ जाएगा, यहाँ पे मैथ्स आ जाएगा ठीक है, इस तरीके से लिखना होगा। एचएससी पार्ट टू तो आपने करा ही नहीं है और बीएससी आपने ये करा ही नहीं है ठीक है। फिर आपने क्या करना होगा, बोर्ड लिखना होगा, अगर कराची बोर्ड से तो कराची बोर्ड लिख देना ठीक है, मतलब बीएससी के, ये हमारे पास सेकेंड ईयर का कौन सा बोर्ड होता है, बीएससी के, और इसका क्या होता है, बल्कि आप कराची बोर्ड भी लिखोगे सही होगा, अपना रोल नंबर डाल देना ठीक है या दोनों में ठीक है, ईयर जिस ईयर को पासिंग हुआ था वो डालना ठीक है, ग्रेड डालना, अगर इसका ग्रेड नहीं आया तो मत लिखना ठीक है, क्योंकि इंटर का तो ग्रेड आया ही नहीं है ठीक है। एनुअल दिया था तो आपने एनुअल ही लिखना है ठीक है, यहाँ पर एनुअल लिखना है और यहाँ पर क्या लिखना है, एनुअल लिखना है ठीक है। उसके बाद आपके पास अंडरटेकिंग आ गया ठीक है, तो अंडरटेकिंग में क्या होगा, एप्लीकेशन इज़ बाउंड टू द फ्लो द रूल ऑफ द कॉलेज एज अ ठीक है स्टूडेंट, सिग्नेचर होगा सिग्नेचर ऑफ गार्जियन, यहाँ पे गार्जियन करना है, यहाँ पे सिग्नेचर होगा स्टूडेंट का, फिर अटैचमेंट जो चीज़ें उसके साथ लिखी भी होगी ना कि आपने ये तमाम चीज़ें ला के रख देना है ठीक है, कौन कौन सी कॉपी, वो तमाम चीज़ें की अटैचमेंट यहाँ पे देना होगा ठीक है। और बाकी ये फॉर ऑफिस यूज़ होगा, आपके यूज़ करने के चीज़ नहीं होगा ठीक है। तो मैंने आपको कंप्लीट फॉर्म फिलअप करना सिखा दिया है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल के आइकन क्लिक कर देना। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए फॉर्म है, तो अपना ख्याल रखना, अपने एक ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।